सीताराम दोस्तों, आज का टॉपिक है चुनाव और प्रतिनिधित्व। आज हम चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। चुनाव आयोग के कार्य क्या हैं, कैसे चुनाव होता है, क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं चुनाव आयोग की, ये मैं आज आपको टू द पॉइंट्स को मैं समझाऊंगा। जो 1984 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी ने 443 सीटों में, 543 सीट्स में 415 सीटें जीती थी, जो 80% से भी अधिक था। बहुत मायने रखती बात थी, ऐसा हुआ था। अब पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया था और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। अब उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। और लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 79 अनुसूचित जाति, 41 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। याद रखिएगा इस पॉइंट्स को, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये वाला। 79 जो है अनुसूचित जाति के लिए और 41 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। 1989 तक 21 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को वैक्स माना जाता था। 1989 से के पहले से 21 वर्ष से ऊपर, लेकिन 1989 में संविधान संशोधन के द्वारा इसे घटा कर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। उसको कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। और लोकसभा विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 25 वर्ष की उम्र उसकी होनी चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल हुई हो तो चुनाव के लड़ने योग्य नहीं है। 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल हो गई हो किसी व्यक्ति को, वह व्यक्ति चुनाव में लड़ने योग्य नहीं है, था चुनाव में खड़े होने के योग्य नहीं है। पहले 1989 से पहले क्या होता था कि आप 21 वर्ष के होंगे तभी वोट डाल पाएंगे, लेकिन उसमें 1989 में संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा 18 वर्ष कर दिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने, चुनाव के संचालन का अधीक्षण करने, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है। यह संविधान के अनुच्छेद 324 में लिखा है कि निर्वाचन आयोग के ये कार्य हैं और निर्वाचन आयोग को उसमें चुनाव कराने में इस प्रकार के कार्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई और एक निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो गया, तब से यह एक बहुसदस्यीय बना हुआ है। संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा देता है, उन्हें 6 वर्षों के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक के लिए नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत और क्या है, भारत में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। याद रखिएगा इस बात को। और भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, प्रत्येक राज्य में मुख्य निर्वाचन आयोग होता है। वो विकल्पी हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक बैठता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पे हैं। अगर लोकतंत्र के सबसे नज़दीक बैठता है तो वह मीडिया द्वारा कराए गए जनमत संग्रह, क्लास में नहीं, राजनीतिक दलों का उम्मीदवारों का चयन नहीं, और परिवार की बैठकों से अच्छा नहीं। कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता, मतदाता सूची तैयार करना, उम्मीदवारों का नामांकन करना, मतदान केंद्रों की स्थापना करना, आचार संहिता लागू करना, पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण। चुनाव आयोग से कोई मतलब नहीं कि उम्मीदवार कौन कौन से हैं, उम्मीदवारों का नामांकन ये नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी बात राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की प्रणाली में समान है, क्या है कि प्रत्येक मत का जो मूल होता है वो समान होता है। फास्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी विजित उचित होता है जिसकी चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा मत हासिल हो। अगर देखिए, प्रत्येक निर्वाचक मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच क्या अंतर है। संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक निर्वाचन मंडल को क्यों स्वीकार नहीं किया। स्वतंत्रता के पूर्व भी इस विषय पर बहुत बहस हुई कि ब्रिटिश सरकार ने प्रत्येक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। इसका अर्थ यह था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में कुल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकते हैं। और संविधान के अनेक सदस्यों को इस पर शंका थी, उनका विचार था कि इससे हमारी व्यवस्था उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगी, इसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को अपनाया गया।
और इसी व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट डाल सकते हैं, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। और संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक निर्वाचन मंडल को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो पूरे देश में फैले हैं, किसी निर्वाचन क्षेत्र में उनकी इतनी संख्या नहीं होती जो प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सके। लेकिन पूरे देश पर नज़र डालें तो अच्छे खासे बड़े समूह के रूप में दिखाई देते हैं। उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आचरण की व्यवस्था जरूरी हो जाती है और संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा, राज्यसभा की विधानसभाओं में आचरण की व्यवस्था करता है। सॉरी, प्रारंभ में व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी पर अनेक संवैधानिक संशोधनों द्वारा इसे बढ़ाकर 2010 तक कर दिया गया। आरक्षण की अवधि खत्म होने पर संसद इसे और भी आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। इन दोनों समूहों की आरक्षित सीटों का वही अनुपात जो भारत की संख्या में इनका अनुपात। आज लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में 79 अनुसूचित जाति और 41 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। एक फास्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली का पालन भारत के हर चुनाव में होता है, कथन गलत है क्योंकि पीटीवी प्रणाली का प्रयोग हर समय नहीं होता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल मत प्रणाली के द्वारा होता है, अन्य चुनावों में पीटीपी प्रणाली का प्रयोग होता है। चुनाव आयोग पंचायत नगर प्रकार के चुनाव का पर्यवेक्षण नहीं करता, कथन सही है। भारत का राष्ट्रपति किसी चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकता, ये कथन गलत है कि भारत का राष्ट्रपति किसी चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकता, लेकिन राष्ट्रपति किसी चुनाव आयुक्त को हटा सकता है जब उसके खिलाफ चर्चा के आरोप स्थित हो जाए। चुनाव आयोग में एक से ज्यादा चुनाव आयुक्त नियुक्ति अनिवार्य, कथन सही है। हमारे देश में भाषाई रूप से अल्पसंख्यक छोटे समुदाय हैं और देश भर में फैले हैं, हमें इनकी ठीक ठीक नुमाइंदगी को सुनिश्चित करना चाहिए। समझाइए, सभी अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या के आधार पर वसी अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए अनुपातिक मत प्रणाली का कोई एक तरीका उपयोग करना चाहिए जिससे सभी अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। भारत में अनेक धार्मिक, जातीय, भाषी, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक पाए जाते हैं जिनके उचित प्रतिनिधित्व के लिए अनुपातिक मत प्रणाली अत्यधिक उपयुक्त है। विभिन्न दलों के बीच सीट और वोट को लेकर कोई विसंगति नहीं रहनी चाहिए। समझाइए, इस वर्ग के लोगों की इच्छा को पूरा करने के लिए अनुपातिक मत प्रणाली का लिस्ट प्रणाली प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके अनुसार राजनीतिक दलों को मिलने वाली वोटों व उनके द्वारा प्राप्त सीटों में से निश्चित अनुपात पाया जा सकता है। और इम्पोर्टेंट देखिए, जो इम्पोर्टेंट है ये भारत का लोकतंत्र अब अनगढ़ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को छोड़कर समानुपातिक प्रतिनिधित्वात्मक प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार हो चुका है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस कथन के पक्ष तो विपक्ष में तर्क दीजिए। वर्तमान में भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें प्रत्येक नागरिक अपनी पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में मत व्यक्त करता है। चुनाव की समाप्ति के बाद मत की गणना होती है, जिस उम्मीदवार को बहुमत मिलता है उसे विजयी घोषित करते हैं। लेकिन कुछ चुनाव में जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के चुनाव अनुपातिक मत प्रणाली से किए जाते हैं जिसमें मतदाता अलग अलग उम्मीदवारों के प्रति अपनी पसंद व्यक्त करते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है? चुनाव व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाए उसे निर्वाचित घोषित कर किया जाता है। अब विजयी प्रत्याशी के लिए जरूरी नहीं कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले, इस विधि में सबसे आगे वही जीते प्रणाली फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व से अब क्या राय है? प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की प्राथमिक सूची जारी करती है और उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है, इतनी सीटों का उसे कोटा दिया जाए। चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतने ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिले हों। दो प्रकार की होती है। कुछ देशों से इजराइल, नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है।
और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। दूसरा तरीका अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है, जहाँ पूरे देश का बहुत सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची तैयार करता है, उसके इतने ही नाम होते हैं, इतने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्रों से चुना जाता है। इन दोनों रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, ना कि उनके प्रत्याशियों को। एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं, उसी आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्रों में सीटें दे दी जाती हैं। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक नेतृत्व व्यवस्था तुलना कीजिए। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत कर पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक आयु बांट देते हैं, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि को चुना जाता है। मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल जा सकती हैं। विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत 50% प्लस वन मिले। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम और भारत समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है। किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र में गिना जाता है। एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। मतदाता पार्टी को वोट देता है। हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती हैं। विजयी उम्मीदवारों को वोटों का बहुमत हासिल होता है। उदाहरण के लिए इसराइल और नीदरलैंड। सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार क्या है। लोकतांत्रिक चुनाव में देश के सभी व्यक्ति चुनावों में वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इसी को सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के नाम से जानते हैं। अनेक देशों में नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने शासकों से बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। बहुत से देशों में तो महिलाओं को अधिकार काफ़ी देर से मिले और बहुत संघर्ष के बाद मिले, लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। विशेष बहुमत क्या है। उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल संख्या का साधारण बहुमत हो। भारत के निर्वाचन आयोग के पास क्या काम है बताइए। वह मतदाता सूचियों को नया नाम नया काम करने नया करने के काम की देखरेख करता है। पूरा प्रयास करता है कि मतदाता सूची में कोई गलतियां ना हों, कि किसी के नाम ना छूट जाए, उन लोगों के नाम ना हो जो मतदान के अयोग्य हों या जीवित ना हों। चुनाव के समय चुनाव का पूरा कार्यक्रम तय करता है। चुनाव की अधिक घोषणा करता है। नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि को बताता है। मतदान की तिथि देता है। मतगणना की तिथि बताता है। चुनाव परिणामों की घोषणा करता है। उस पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्णय लेने का अधिकार है। पूरे देश में किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को इस आधार पर स्थगित या रद्द कर सकता है जहाँ माकूल माहौल ना हो। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव ना हो वो मना कर सकता है कि आज यहाँ चुनाव नहीं होंगे। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों उनके उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करता है। वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा दे सकता है। यदि उसे लगा कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से उचित या न्यायपूर्ण नहीं थी तो वह दोबारा मतगणना कराने की भी आज्ञा दे सकता है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। आज में कानून के द्वारा चुनाव सुधारों का वर्णन कीजिए। क्या संशोधन हुए हैं। हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार के समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करनी चाहिए। इससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेंगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिले। संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने का विशेष प्रावधान बनाया जाए। चुनाव राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए अधिक कठोर प्रावधान करने चाहिए। सरकार को विशेष विधि से चुनावी खर्चों का भुगतान करना चाहिए। जिस उम्मीदवार के खिलाफ फौजदारी का मुकदमा हो चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, भले इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो। चुनाव प्रचार में जाति धर्म के आधार पर की जाने वाली अपील को बंद करना चाहिए। राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए उनकी कार्यविधियों अधिक पारदर्शी लोकतांत्रिक बनाने के लिए कानून बनाना चाहिए।
निर्वाचन आयोग को किस स्थानों पर चुनाव कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर से हिंसाग्रस्त चुनाव में किस सन में चुनाव प्रक्रिया को बीच में रोकना पड़ा? 1991 में पूरी चुनाव प्रक्रिया के बीच में ही रोकना पड़ गया, क्योंकि 1991 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, आज आप हमारे साथ बने रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।